तो गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के ऐसे पांच प्लगइन के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक प्लगइन अपने आप में अमेजिंग है। जिस काम में आप एक घंटे डेढ़ घंटे लगाते हो वो इस प्लगइन के हेल्प से यूं चुटकी में आप उसको कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहला जो प्लगइन आता है उसका नाम है शैडो वाईफाई। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि शैडो वाईफाई एक प्लगइन है, क्योंकि ये प्लगइन जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इससे पहले ये प्लगइन नहीं था, है ना। इससे पहले मैं जो शैडो क्रिएट करता था वो मैनुअली क्रिएट करता था, इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आपको पता है शैडो क्रिएट करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है और उतना ज्यादा रियलिस्टिक दिखता भी नहीं है। इस शैडो फाई प्लगइन से शैडो जो है वो रियलिस्टिक भी दिखता है और टाइम भी आपका कम लगता है। हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ मैनुअली वर्क करने पड़ते हैं, बट शुरू से स्टार्टिंग से करना और कुछ किए हुए पे करना वो ज्यादा यूजफुल है। इसमें टाइम कम लगता है और शैडो बहुत हद तक रियल भी दिखता है ना। तो ये शैडो फाई प्लगइन काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। इसका जो यूजर इंटरफेस है बहुत सही है, आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। और ये काफी मुझे सही लगा, है ना। नंबर फोर पे जो प्लगइन है वो है टोपैज क्लीन, है ना। आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को पता होगा टोपैज क्लीन। टोपैज क्लीन क्या है कि आपको नॉर्मल जो इमेज होती है उसको वेक्टर वाला फील ला देता है ना। आपको इलस्ट्रेटर में जाने की जरूरत नहीं है उसको ट्रेस रेस करने की, बस आप यहीं पे वेक्टर वाला फील आपका ला देता है ना। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने हॉलीवुड के पोस्टर में या बॉलीवुड के पोस्टर में भी इस टाइप का इफेक्ट आपने देखा होगा, उसमें से बहुत सारे टोपैज क्लीन से ही होता है। आप इसको ट्राई करो, मजा आ जाएगा। इसको एक्सप्लोर करो आप, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफी अमेजिंग प्लगइन है। देखो मैं इसको डिफरेंट तरीके से यूज करता हूँ, आप लोगों के पास जाएगा तो आपकी क्रिएटिविटी डिफरेंट है। आप इसको कैसे यूज करते हो वो टोटली आपके ऊपर है। मेरा काम होता है सोशल मीडिया के बैनर बनाने, उसमें कहीं कहीं इसका यूज होता है और मैं बहुत सही से इसको यूज कर लेता हूँ। आपका काम क्या है, आप फोटोशॉप में क्या करते हो, उस पर टोटली डिपेंड करता है कि इस प्लगइन को आप कैसे यूज करोगे, है ना। बस सिंपल ये है कि ये प्लगइन नॉर्मल इमेज को वेक्टर की तरह बना देता है बहुत हद तक, है ना। अगर आपको इलस्ट्रेटर नहीं जाना तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। नंबर थर्ड पे जो प्लगइन है वो है पोर्ट्रेचर। पोर्ट्रेचर जो है वो स्किन स्मूथ करने के लिए काम आता है। अगर आप फैशन फील्ड में हैं या किसी का स्किन स्मूथ करना है आपको, तो मैनुअली करने से बढ़िया आप पोर्ट्रेचर प्लगइन यूज करो। बहुत बैलेंस तरीके से यूज करता है, फेक भी नहीं लगता और बढ़िया भी लगता है देखने में। तो पोर्ट्रेचर तो मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूं, अब तो इसके बहुत सारे अपडेटेड वर्जन भी आ गए हैं। तो गाइस जितने प्लगइन के मैं नाम बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली और नेट पे फ्री में नहीं मिलेंगे अगर आप दिमाग नहीं लगाते हो तो, ठीक है। ओके, तो गाइस नंबर टू पे जो प्लगइन है जिसका मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, समझो डेली मैं 25-30 बार इस प्लगइन को खोली लेता हूं, है ना। उसका नाम है निक कलर एफएक्स प्रो 4। अब इसका 4 वर्जन आ गया है। ये कलर करेक्शन का प्लगइन है। आप किसी भी इमेज में आपको मैन्युअली ब्लू येलो टोन सब नहीं देने, इसमें सारे के सारे कलर इसमें फिक्स होते हैं। एक प्लगइन एक टेम्पलेट बना हुआ है, उसको चूज करो और आपका फोटो बढ़िया लगेगा। और इसको जिसने बनाया है उसने वही सारे जो इसमें जो कलर्स करेक्शन है वही सारे कलर करेक्शन है जो हम दिन भर देखते हैं। तो एक क्लिक में आपको वो कलर करेक्शन मिल जाएगा जिसका आप बनाने की कोशिश पिछले 2 घंटे से कर रहे थे। तो ये प्लगइन आप यूज करो, काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। कलर सारे डिजाइन बनाने के बाद या फोटो क्लिक करने के बाद जब इस प्लगइन को आप यूज करोगे ना तो आपका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगेगा या आपका फोटो में अलग टाइप का फील आ जाएगा, है ना। नंबर वन पे जो प्लगइन है मैं जिसको मैं सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है और इसको मैं पता नहीं कितने सालों से यूज कर रहा हूं और अमेजिंग प्लगइन है, उसका नाम है टोपैज एडजस्ट, ठीक है। ये इमेज का जो शार्पनेस है उसको बढ़ाने का ये काम करता है, जैसे HDR इफेक्ट हो गया, जैसे स्क्रीन शार्प लग रही है या बहुत सारी चीज शार्प लग रही है, उस काम में ये प्लगइन आता है। और जो टोपैज एडजस्ट को और पोर्ट्रेचर को जब एक साथ यूज करोगे ना तो एक अलग ही पोस्टर वाला फील आता है, अलग ही पिक्चर पे स्क्रीन पे अलग ही टोन आ जाता है। और इस दोनों को यूज करके जब आप कलर इफेक्ट्स इस पर डालोगे ना तो अलग ही प्रोफेशनल लुक या अलग ही टाइप का आप देखना, यूज मैं तो कुछ बता नहीं सकता, अलग ही टाइप का जो लुक एंड फील आता है वो डिफरेंट होता है काफी ज्यादा। तो ये जो 5 प्लगइन है ये मैं डेली यूज करता हूँ और इस प्लगइन ने मेरा बहुत सारा टाइम बचाया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जब इसको आप यूज करोगे ना तो आप इस वीडियो पे दोबारा आओगे और थैंक्स बोल के जाओगे, क्योंकि ये सारे प्लगइन ना एक्चुअली में आपका टाइम बहुत ज्यादा कम करता है ना। तो ये जो प्लगइन है आप इसमें से यूज करो, कुछ बढ़िया से क्रिएट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। हैंडल आपको पता है, इंस्टाग्राम हैंडल @RajeevMehtaIN करोगे तो सबसे पहले मेरा ही आता है ना। तो आप मुझे वहां पे इसको टैग करो और अगर आपको कुछ बात भी करनी है, कुछ पूछना भी है तो आप मेरे से वहां से पूछ सकते हो, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं और मैं जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ जितना हद तक मेरे से होता है।
इतना टाइम मेरे पास रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट सबका दे ही देता हूँ, है ना। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।